हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका आपने यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो नीट स्टूडेंट्स के लिए पूछे जा रहे या फिर एक बार होगा या फिर होगा ही नहीं ठीक है तो या फिर डिले होगा कितना डिले होगा तो यही जो आपका नीट का एग्जाम है एन कंडक्ट करवाती है तो एन ने ही ऑफिशियल नोटिस जारी किया है NTA एनटीए ने बोला है कि जो नीट परीक्षा का आयोजन करती है एनटीए अब नीट परीक्षा साल में दो बार और ऑनलाइन मोड में कराने की संभावनाओं को देख रही है तो फ्रेंड्स आपको पता है नीट का एग्जाम साल में एक बार होता है और वो ऑफलाइन होता है तो अब क्या सोच रहे हैं ऑनलाइन मोड में करवाने की आगे दिया है मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए यह एक बड़ा राहत भरा कदम हो सकता है तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है मेडिकल कॉलेज में जो एडमिशन लेते हैं स्टूडेंट्स साल भर या ड्रॉपर स्टूडेंट होते हैं थ्री थ्री कंटिन्यू प्रिपरेशन करते हैं उसके बाद उनका हो पाता है तो बहुत ही ज्यादा मेहनत की, की है। है, स्वास्थ्य है? है? बड़ी प्रतियोगी परीक्षा पर, पर, है जो साल में एक बार ही पेन पेपर मोड पर आयोजित की जाती है इस साल नीट परीक्षा में तेरह लाख स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था ठीक है तेरह लाख ने नहीं फोर्टीन नाइन सेवन स्टूडेंट्स ने नाइन सेवन लैक्स स्टूडेंट्स ने दिया था एग्जाम आगे दिया है एक अधिकारी की माने तो इन बड़ी प्रतियोगिता परीक्षाओं को देते हुए स्टूडेंट्स बहुत ही तनाव से गुजरते हैं तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते करते और उनका फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाता आगे है अगर परीक्षा साल में एक बार से ज्यादा आयोजित की जाए तो स्टूडेंट्स का तनाव कुछ कम होगा यही नहीं कोरोना महामारी के कारण इस साल का अकेडमिक ईयर बहुत ही अव्यवस्थित रहा है और स्टूडेंट्स ने बहुत दबाव झेला है तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कोरोना की वजह से जो आपका एग्जाम बहुत पहले हो जाना था कोरोना की वजह से आपका डिले हुआ और डिले होने की वजह से ए, का, काफी सारे जो कोचिंग सेंटर्स वगैरह है वो कोरोना की वजह से आपके बंद हो गए थे तो स्टूडेंट्स ने घर पर ही प्रिपरेशन की है तो उनके जो प्रिपरेशन के ऊपर बुरा इफेक्ट पड़ा है हालांकि इस परीक्षा को साल में दो बार आयोजित कराने के फैसले के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की मंजूरी लेनी बहुत जरूरी है यही वजह है की एनटीए ने स्वास्थ्य मंत्रालय को परीक्षा साल में दो बार आयोजित कराने के लिए के सुझाव को लेकर पत्र लिखा है तो एनटीए ने फाइनली क्या लिखा है एक लेटर लिख दिया है

ने ये ट्विटर के ऊपर ट्वीट किया था कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि नीट का एग्जाम भी साल में दो बार कंडक्ट करवाया जाए आपको बता दें कि सेक्शन चौदह नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के तहत नीट परीक्षा के तहत ही मेडिकल कॉलेजों के अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिला मिलता है एम्स न्यू दिल्ली के एमबीबीएस जिपमर और एम्स जैसे दूसरे संस्थानों में सिर्फ नीट के आधार पर ही एडमिशन होता है आ, तो फ्रेंड्स ये आपको पता है की जो एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो नीट के थ्रू ही होगा नीट का आपको एग्जाम देना पड़ेगा और नीट का जो एग्जाम है वो एनटीए कंडक्ट करवाती है तो फ्रेंड्स जो फाइनल जो एग्जाम डेट है वो अभी अनाउंस नहीं हुई है माना जा रहा है कि मई और जून के अंदर फाइनली जो एग्जाम है वो अनाउंस हो जाएगा और जो मिनिस्ट्री से आपका जो फाइनल जो भी रिस्पॉन्स आता है उसके बाद एन टी ऑफिशियली अनाउंस कर देगी कि नीट का जो एग्जाम है वो फाइनली कब कंडक्ट करवाना है और साल में एक बार होगा या दो बार होगा फिर भी यदि फ्रेंड्स कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ओके okay, Thank you, friends.